हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इसके बारे में कि किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। आज उसको देखना है दिशा का निर्धारण। हम लोग पहले देखे थे दिशा, लेकिन बच्चों का कॉमेंट आया कि सर दिशा का निर्धारण कैसे किया जाए, इसके बारे में कुछ अच्छे से बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दिशा का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग देखे थे कि किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र में व्यंजक क्या था, बी बराबर मीडियट इंटू आई आपका 2R था। ये आपका क्या था, आपका कोई वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली था, इसमें प्रवाहित धारा के साथ मान लीजिए आपका क्या है, क्लॉकवाइज है ना। तो धारावाहिक कुंडली के कारण इसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करना है, तो व्यंजक प्राप्त करना। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करना है, व्यंजक। तो व्यंजक कितना होता है, बी बराबर मीडियट इनटू आई बाई 2R। हम लोग देख लेते थे, ये भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग दिशा के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि दिशा हम लोग कैसे देखते हैं। तो देखिए हम लोग देखे थे है ना, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम। दाएं हाथ का अंगूठा नियम क्या था, यदि कोई चालक तार इस प्रकार लिया जाए है ना, कोई चालक तार लिया जाए और चालक तार प्रवाहित धारा की दिशा में दाएं हाथ को इस प्रकार आगे बढ़ाए कि अंगूठा किसको निरूपित करे, प्रवाहित धारा की दिशा को निरूपित करे, तो बाकी सारे अंगुली जो घूमने की दिशा है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करता है, आपका निरूपित करता है। तो यहां पर हम लोग कैसे देखेंगे, यहां पर आपका एक वृत्ताकार धारावाही चालक तार लिए, मान लीजिए धारावाही चालक तार कैसे है जिसको हम इस प्रकार पकड़ती है ना, यहाँ पर प्रवाहित धारा इस प्रकार है, तो हम लोग क्या करते हैं धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं, यहां पर पकड़ते हैं ऐसे करके। तो ये क्या प्रवाहित धारा दिशा है, देखिए ये अंगुली बाकी सारे अंगुली जो घूमने की दिशा है इधर अंदर के प्रवेश कर रहा है, तो किसको निर्भित करता है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा को निर्भित करती है। ये अंगुली आपका देखिए बाकी चारों उंगलियां घूमने से अंदर के प्रवेश कर रहा है, इधर क्या आपका बाहर क्यों निकले, यानी कि इधर चुंबकीय क्षेत्र दिशा कर्ल के लंबवत किधर प्रवेश कर रहा है, आपका देखिए ना अंदर के प्रवेश कर रहा है, और इधर क्या हो आपका देखिए ना, इधर क्या हो आपका बाहर क्यों निकल रहा है, इधर क्या हो आपका बाहर क्यों निकल रहा है। तो यानी कि केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको देखने को मिल रहा है ना, कि यहाँ पर यदि प्रवाहित धारा की दिशा क्लॉकवाइज लिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र जो दिशा आपको मिल रहा है वो तल के लंबवत यानी केंद्र पर वो आपका अंदर की ओर देखने को मिल रहा है, जो दिशा देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार पकड़ते हैं चालक तार को, ये प्रवाहित धारा की दिशा है, बाकी सारे अंगुली के घूमने से चुंबकीय क्षेत्र का निर्भित करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत आपका अंदर का प्रवेश करे, इधर की आपका बाहर निकल रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो आपका देखिए ना, ये आपका हो जाएगा अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, यहाँ पर क्या बाहर क्यों निकल रही है, यानी कि इधर दिशा क्या होगा अंदर क्या होगा, इधर क्या होगा बाहर क्यों। तो आपको कह रहे हैं कि केंद्र पर क्या होगा, केंद्र पर क्या होगा दिशा जो होगा इसके द्वारा बनाए गए तल के लंबवत अंदर की होगा, यदि प्रवाहित धारा की दिशा क्या लिया जाए, अगर क्लॉकवाइज लिया जाए, प्रवाहित धारा से अगर क्लॉकवाइज लिया जाए तो केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इसके द्वारा बनाए गए तल के लंबवत अंदर की होगी। इसके विपरीत भी ले सकते थे, यदि प्रवाहित धारा से एंटी क्लॉकवाइज ले लिया जाए, इधर हम लोग देखेंगे है ना, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इसे चालक तार कैसे पकड़ेंगे, इधर क्या होगा अंदर क्यों प्रवेश करेगा, इधर क्या बाहर निकलेगा, यानी इधर बाहर यानी कि तब केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र तल के किधर होता है, बाहर की होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली पर प्रवाहित धारा जैसे जो हम लोग लिए हैं वो क्या लिए आपका देखिए ना, क्लॉकवाइज लिए हैं। तो आप यदि किसी कागज के तल पर प्रवाहित धारा जैसा वृत्ताकार धारावाहिक चालक तार पर प्रवाहित धारा जैसा अगर क्या लिया जाए, अगर क्लॉकवाइज दिशा में ले जाए तो केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो तल के लंबवत किधर होगी आपका, अंदर की होती है। आप लोग हम लोग क्या कहते हैं वही लिखे थे है ना, इस पर हम लोग देखे थे चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निर्धारण, ये हम लोग देखे थे है ना। तो हम लोग देख लिए कि किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अगर केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र ऐसा अगर प्रवाहित धारा ऐसा क्या ले क्लॉकवाइज ले जाए तो केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र से तल की लंबवत अंदर की होती है, ये हम लोग देख लिए। आज हम लोग फिर देखेंगे किसी वृत्ताकार धारावाही, ये आपका क्या है एक चाप ही कर सकते हैं, तो किसी वृत्ताकार धारावाही
चाप के कारण, चाप के कारण केंद्र पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये वृत्त का धारावाहिक कुंडली या तो चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपका आया था बी बराबर। ये वृत्त का धारावाहिक चाप कर सकते हैं या वृत्त का धारावाहिक कुंडली भी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, मी नॉट इंटू आई बाई क्या हो जाएगा आपका टू आर हो जाएगा। ये हम लोग देखे थे, अब देखते हैं इसको, इसको कैसे हम लोग बदलते हैं धारावाहिक चाप को, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कैसे इसको बदलते हैं। देखिए मी नॉट बाय अगर इसको हम फोर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आई बाय क्या करते हैं आपका टू आर, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर पाई से, यहाँ पर टू कटेगा यानी क्या हो जाएगा मी नॉट बाय फोर पाई आई बाय क्या हो जाएगा आर मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, देखिए ना टू पाई मिलेगा। टू पाई क्यों मिला, देखिए ये जो वृत्त का धारावाहिक चाप है, तो वृत्त का धारावाहिक चाप है और केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, देखिए ना ये केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है आपका 360 डिग्री कोण बना रहा है, बन रहा कि नहीं, यानी कि अगर कोई वृत्त का धारावाहिक चाप के अगर केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र आपका आएगा वो बी बराबर क्या आएगा मिनट बाय फोर पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा टू पाई, यानी कि इसको हम किस रूप में बदल दिए, इसको कोण के रूप में बदल दिए, यानी ये वृत्त का धारावाहिक चाप है केंद्र पर 360 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पर टू पाई हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी धारावाहिक चाप लिया जाए है ना और केंद्र पर क्या करे कुछ भी कोण बनाए, उस कोण से मिनट बाय फोर पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई अगर जितना कोण बनाए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि यदि कोई वृत्त का धारावाहिक चाप, यदि कोई धारावाहिक चाप है यहाँ पर वृत्त का धारावाहिक चाप लिए थे तो वृत्त का अगर यहाँ पर कोण कितना डिग्री आपका है टू पाया। इसी प्रकार कोई दूसरा आपका कोई धारावाहिक चाप लिया जाए कि अगर केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना, मानिए इस प्रकार कोई धारावाहिक चाप लिया जाए ये हो जाएगा धारावाहिक चाप, ये केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना आपका, देखिए ना यहाँ पर कोण कितना डिग्री बना 180 डिग्री, तो यहाँ पर इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख सकते हैं मिनट बाय फोर पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 180 मतलब कितना आपका पाई हो जाएगा, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे कि यदि कोई धारावाहिक चाप केंद्र पर क्या कोण बनाए अगर पाई कोण बनाए तो चुंबकीय क्षेत्र आपका आएगा बी बराबर मिनट बाय फोर पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं इसको लिख सकते हैं, उसको लिखना है यहां पर लिख सकते हैं इसी प्रकार यदि कोई धारावाहिक चाप है ना, कोई धारावाहिक चाप ले जाए धारावाहिक चाप केंद्र पर हाई कोण बनाए बनाए तो चुंबकीय क्षेत्र तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर मिलेगा मिनट बाय फोर पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई क्या मिलेगा आपको फाई मिलेगा, मिनट बाय फोर पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या हो जाएगा बी बराबर को मिलेगा है जिम्मे से बी बराबर मिनट बाय फोर पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। हम लोग इस प्रकार न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं कैसे आपका होता है ना, न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपका कोई धारावाहिक चाप केंद्र पर भारी कोण बनाता है तो चुंबकीय क्षेत्रफल केंद्र पर कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल के बारे में कैसे होता है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार है कि दिए गए चित्र में
दिए गए चित्र में बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। मान लीजिए आपको ऐसे दिया है एन और फिगर, इस प्रकार कोई फिगर दिया है, इसके केंद्र ले लिया इसे और इसका वृत्ताकार पथ तो नहीं है लेकिन इसका त्रिज्या आपको दिया है। मान लीजिए त्रिज्या हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, इधर से प्रवाहित धारा दिया है और केंद्र पे जो कोण आपको बना रहा है वो आपको दिखाई भी दे रहा है। फाई कोण कितना डिग्री बना रहा है आपका? फाई बना रहा है। आप प्रवाहित धारा का मान आपको कितना दिया है? 2 एम्पीयर दिया है ना। और दूसरा आपका क्वेश्चन बी नंबर, मान लीजिए आपका ऐसे दिया है तो आपको ऐसे दिया है, इसको मैं ऐसे मिला सकते हैं, आपको मान लीजिए ऐसे दिया है, ये आपका क्वेश्चन दिया है ना। यहाँ प्रवाह धारा 2 एम्पीयर दिया है और त्रिज्या आपका दिया है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, तो यहाँ पर ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। यानी आर बराबर क्या दिया आपका, मान लीजिए आपका यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है और केंद्र फाइव बराबर आपको दिया है कितना डिग्री, वो आपका बन रहा है कितना 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन बन रहा है? 60 डिग्री मतलब कितना होता है आपको पता है? पाई बाय 3 होता है। तो आपका ऐसे क्वेश्चन है, कोई धारावाहिक चाप है इस प्रकार है ना, तो हम लोग पहले भी देखे थे कि कोई धारावाहिक चाप रहे, कोई भी धारावाहिक चाप रहे है ना, तो क्या था केंद्र पर क्या कौन अगर फाइव को बनाए तो बी बराबर क्या था मीटर बाय 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई क्या होता है आपका फाइव होता है। इस प्रकार होता है कोई भी धारा में चाप लेते हैं तो केंद्र पर फाइव को बनाए थे मीटर बाय केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर मीटर बाय 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई क्या होता है फाइव होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करना है, भेजा पर के लिए मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या यहाँ पर देखेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले देखिए त्रिज्या R बराबर का दिया 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में चेंज करना 10 × 10^-2 भी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 10^-1 क्या होगा मीटर होगा। और प्रवाहित धारा I बराबर का दिया 2 एम्पियर और फाई कोण कितना बन रहा है देखिए पाई। तो चुंबकीय क्षेत्र ओ पर कहां ओ पर कितना हो जाएगा देखिए ना, यहां पर लिखिए मीटर बाय 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं मीटर बाय 4 पाई का वैल्यू पहले आप लोग बता चुके हैं कि मीटर बाय 4 पाई का जो वैल्यू होता है 10^-7 होता है टेस्ला मीटर पर क्या होता है आपको एम्पियर होता है। यानी कि मीटर बाय 4 पाई का वैल्यू लिख सकते हैं 10^-7 आई प्रवाह धारा 2 एम्पियर हो गया, त्रिज्या क्या दिया 10^-1 हो जाएगा और केंद्र पर कोण कितना दूरी रखा देखिए आपका पाई, यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई पाई लिख सकते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2π × 10^-7 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी 2π × 10^-6 और ये हो जाएगा टेस्ला। इस प्रकार निकाल सकते हैं कोई धारावाहिक चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं, यह प्रवाहित धारा आपका हो गया 2 एम्पियर, त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, उससे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट लिखते हैं 10^-1 मीटर है ना, और फाई कोण कितना दिया आपका पाई बाय 3 दिया है। तो केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है फॉर्मूला, किसी धारावाहिक चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक होता है मीटर बाय 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई फाई। तो फाई यहाँ पर कौन आपका बन रहा है पाई बाय 3, तो फाई का जगह पर पाई बाय 3 बैठ रहा है, मीटर बाय 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 10^-7 पर धारा का मान 2 एम्पियर हो गया, बाई क्या दिया आपका देखिए
यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको ऐसे दे दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, तिरछा आर पर होती है 10 सेंटीमीटर, उसको लिख सकते हैं 10^-1। और यहाँ पर कोण कितना बन रहा है आपका, देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है π/3, यहाँ पर π/3 लिख सकते हैं। यानी कि ये आपका वैल्यू आएगा 2π/3 गुना 10^-7+1। इसको लिख सकते हैं 2, इधर लिख दीजिए 2π/3 गुना 10^ क्या हो जाए -6, यहाँ पर क्या हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा। ये होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र केंद्र O पर। तो हम लोग ये देख ले, किसी वृत्त का धरावाहिक चाप के कारण केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है, वृत्त का धरावाहिक चाप के कारण अगर बोलेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, कोई वृत्त का धरावाहिक चाप ऐसे कहेगा तो मान लिया पास कोई वृत्त का धरावाहिक चाप रहेगा ऐसे, है ना, तो कोण कितना बन रहा था फाइव बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं 2π, तो बी बराबर आपको क्या मिल जाएगा 0/4πI/R मल्टीप्लाई आपको क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा, है ना। तो कोई भी धरावाहिक चाप रहे और केंद्र पर फाइव कोण बनाए तो उसको व्यंजक क्या होता है μ/4πI/R मल्टीप्लाई क्या होता है 5 होता है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे बायसावर्ट के अनुप्रयोग नंबर 2 देखेंगे, है ना, किसी प्रकार धारावाहिक चालक तार के कारण किसी अक्ष पर, हम लोग पहला क्या देख लिया, किसी प्रकार धारावाहिक चालक तार के कारण या किसी प्रकार धारावाहिक कुंडल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक हम लोग देख लिया। फिर आगे देखेंगे किसी प्रकार धारावाहिक चालक तार के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।